लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और खबरों की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सिल्वन प्लाई, ब्रेक नहीं बनता। उत्तर प्रदेश का कासगंज फिर गुंजा गोलियों की तड़तड़ाहट से। 28 वर्षीय सफाई कर्मी पर बदमाशों ने अंधाधुंध चलाई गोलियां। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फिर दिया पश्चिम बंगाल सरकार को झटका। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पंचायत चुनाव तिथि पर फिर मंडराए संकट के बादल। हाईकोर्ट के फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत, कहा फैसला ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को दिल्ली के लिए हुई रवाना। पीएम द्वारा मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक में लेंगी हिस्सा। सॉल्टलेक के तालाब से बरामद हुआ 50 वर्षीय अधेड़ का शव। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। मालदा में फिर आदिवासी किशोरी बनी हवस का शिकार। मौसी के घर गई लड़की के साथ तीन युवकों ने किया दुष्कर्म। पूर्व मिदनापुर में तेल के गोदाम में लगी आग। ज्वलनशील पदार्थ के सिगरेट के संपर्क में आने से घटी घटना। कारखाने को हुई मामूली क्षति। मई दिवस के अवसर पर माकपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विमान बसु ने की शिरकत। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर राज्य सरकार व चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। मंगलवार को उत्तर प्रदेश का कासगंज एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस घटना में एक 28 वर्षीय सफाई कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना के बाद से सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने कोतवाली थाने को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश का कासगंज एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस बार गोलियों का निशाना बना 28 वर्षीय सफाई कर्मचारी। घटना में गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान अवस्था में सफाई कर्मचारी सोनू को कोतवाली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना के बाद से सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने इस घटना का विरोध करते हुए कासगंज सदर कोतवाली का घेराव किया। ये घटना कासगंज सदर कोतवाली के गंगा बेंड वाली गली की निकट हुई। इस घटना के बाद से इलाके में काफी आतंक देखा जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर हाई कोर्ट के द्वारा सीपीएम और बीजेपी की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया उसे सभी विपक्षी दल ऐतिहासिक बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने बताया कि 14 मई को होने वाला पंचायत चुनाव किसी भी तरह से कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस दौरान किस बेसिस पर चुनाव आयोग ने इस मतदान तिथि को घोषित किया और चुनाव की इन तिथियों को किससे पूछने के बाद या किससे विचार विमर्श के बाद लागू किया गया था। इन सभी बातों के बाद जब सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया उसके बाद विपक्ष अदालत से बाहर निकला और एक के बाद एक बयान आने शुरू हुए। सबसे पहले पीडीएस की ओर से बयान आया, उसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा पीडीएस के प्रवक्ता ने। ठीक उसके बाद भाजपा के प्रताप बनर्जी ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच तृणमूल का पक्ष रखने वाले यानी कि राज्य सरकार का पक्ष रख रहे कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। আমাদের বক্তব্য ছিল সেটা কোর্টের অর্ডার ছিল না। কোর্ট বলেছিল তুমি নির্বাচনী ডেট ফিক্স আপ করো, তারপরে যে সিকিউরিটির যে অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে সেটা 7 তারিখে ডিভিশন বেঞ্চে যেটা মামলা চলছে সেই মামলার সঙ্গে
দেখাতে হবে। মাননীয় বিচারপতি সুব্রত তালুকদার যেটা বলেছেন যে আজকে যে 14ই মে যে ডেট ফিক্স হয়েছে সেই ডেট টেন্টেটিভ ডেট। আমরা প্রথম থেকে যেটা বারবার ধরে ইলেকশন কমিশনারকে বলেছিলাম যে আপনি নির্বাচন দিন ঘোষণা করার আগে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কী করেছেন সেই কথা বলুন। আমরা বলেছিলাম যে আপনি 3 দিন ঘোষণা করেছিলেন 3টে ডেট, তারপরে আপনি সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কোনো কথা আমাদের জানাননি। একদিনে যে আপনারা ঘোষণা করলেন 14 তারিখের নির্বাচন, তার জন্য আপনারা কী কী সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন সেই বিষয়ে আমরা জানতে চেয়েছিলাম ইলেকশন কমিশনারের কাছে। সেদিন মিটিং যেটা হলো সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি এবং স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে যে মিটিং হলো তাতে উনি তার সদুত্তর দিতে পারেননি। সেদিনে আমরা বলেছিলাম যে একজন ভোটার যে নির্ভয়ে ভোট দিতে যাবেন। পশ্চিম বঙ্গাল পঞ্চায়েত চুনাও কি গহমা গহমি কে বিচ মঙ্গলবার শাম কো মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দিল্লি কে লিয়ে রওনা হো গই। আপকো বতা দে কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নে দেশ কে সভি মুখ্যমন্ত্রিও কো এক বৈঠক কে লিয়ে দিল্লি বুলায়া হ্যায় অর ইসি মে হিস্সা লেনে কে লিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মঙ্গলবার কো দিল্লি কে লিয়ে রওনা হো। রাজ্য মে পঞ্চায়েত চুনাও কো লেকর হো রহি রাজনৈতিক উঠাপটক কে বিচ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर मंगलवार को दिल्ली का रुख कर रही हैं। वह 3 मई को वापस कोलकाता लौटेंगी। केंद्र पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली दीदी इस बार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। इसके पहले ममता और मोदी की मुलाकात पिछले वर्ष अप्रैल महीने में ही हुई थी। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पीएम से चंद पल बंगाल के बारे में भी बात करें। ये बैठक इसलिए रखी गई है क्योंकि केंद्र की ओर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाने के लिए नेशनल कमेटी गठित की गई है। यह कार्यक्रम राज्यों को कैसे मनाना है इसे लेकर ही पीएम के नेतृत्व में नेशनल कमेटी की बैठक होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण दिया गया है। 1 मई यानी कि मजदूर दिवस, इस दिन माकपा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शिरकत करने माकपा के चेयरमैन विमान बसु पहुंचे। इस दौरान जब उनसे संवाददाताओं ने पंचायत चुनाव को लेकर के सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुना देते हैं। साथ ही उन्होंने मजदूर दिवस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। निर्वाचन कमीशन अखुशी हले निर्वाचन कमीशन क्षमता अनुजाई विधि एवं व्यवस्था ग्रहण करा उचित। নির্বাচন কমিশন তার যদি সিট দ্বারা থাকে তাহলে তিনি যখন অখুশি হয়েছেন তা ভাষায় ব্যক্ত করবেন তার নিজের নতুন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। মে দিবসে মেয়েদের তো প্রাসঙ্গিকতা আছেই, কারণ যখন 1889-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এঙ্গেলস যখন এটাকে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কসম্যানস ডে ঘোষণা করলেন, তারপরেই সংশোধিত হয়েছে ওয়ার্কসম্যান ডে অ্যান্ড ওয়ার্কস উইমেন ডে। দেয়ারফোর ইন ঐতিহাসিক মে দিবসে নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্ন এবং কাজের ব্যাপারে যে বৈষম্য তা অবসানের দাবিতে মে দিবসের বাণী এখনো শাশ্বত। मंगलवार दोपहर सॉल्ट लेक के एक तालाब से 50 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब से शव को बाहर निकाला। इस तालाब में शव कहां से आया और ये किसका शव है, पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मंगलवार दोपहर 12 बजे सॉल्ट लेक के 115 दत्ताबाद के आनंदपुर में एक तालाब से एक आदमी का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी विधाननगर दक्षिण थाने की पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब से शव को बाहर निकाला। मृत व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष के करीब बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के सामने ही एक खाने की दुकान है, देर रात तक वो दुकान खुली रहती है और इसी कारण वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आर्जिकल अस्पताल भेज दिया है। वहीं व्यक्ति की मौत कैसे हुई और ये लाश इस तालाब में कहां से आई, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है।
আমরা ওয়ার্ডে বসেছিলাম, ওয়ার্ড থেকে সাইডে বেরিয়েছিলাম, তখন লোক সে খবর দিল যে জল তুলতে গিয়ে পুকুরে একটা লাশ ভাসছে, জামা আর চুলটা দেখা যাচ্ছিলো। তখন আমরা তৎক্ষণিক বিধাননগর দক্ষিণ থানাকে খবর দিই, দক্ষিণ থানার লোক পুলিশ এসে লাশটাকে দেখে লাশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এইটা আমাদের এলাকার লোক নয়, মনে হচ্ছে এখানে রাত একটার যদি দোকান চলে একটা, সেখানে হয়তো বাইরের কোনো লোক খেতে এসে হয়তো বাথরুম করতে গিয়ে পড়ে মরেছে, এটা তো আমরা জানি না। তো এই জন্য আমরা দক্ষিণ থানাকে বলবো যাতে এইগুলো দেখার জন্য যে রাত দুপুরে যে বাইরের লোক এসে কোথাও পড়ছে এর জন্য। न्यू टाउन में हुए एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम राजकृष्ण जाना बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार न्यू टाउन के नारकेल बागान से सॉल्ट लेक जाते समय एक्सिस मॉल क्रॉसिंग पर एक प्राइवेट कार ने राजकृष्णा की बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में घायल राजकृष्णा को गंभीर अवस्था में विधाननगर अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति बिगड़ता देख डॉक्टरों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ब्रिटेन स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विकल्प के रूप में वामपंथी विचारधारा की प्रासंगिकता पर व्याख्यान देंगे, ये बात पार्टी की ओर से बताई गई। सीताराम येचुरी 2 से 6 मई तक ब्रिटेन यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। मालदा में एक बार फिर एक आदिवासी किशोरी हवस का शिकार बनी। बताया जा रहा है कि ये आदिवासी किशोरी अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी और वहां से जब अपने घर वापस लौट रही थी उसी दौरान रास्ते में 3 युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बहुत दिनों तक, लगभग 1 हफ्ते तक किशोरी ने इस विषय में किसी को नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे जब ये बात खुली तो मामला थाने में दर्ज हुआ। मालदा में फिर एक बार आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की घिनौनी घटना घटी। ये घटना गाजोल थाना अंतर्गत पारुल ग्राम में घटी। बताया जा रहा है कि पीड़िता किशोरी मानसिक रूप से विकसित है। गुरुवार को पीड़िता मिर्जापुर गांव में शादी में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। जब वह घर वापस लौट रही थी उसी दौरान रास्ते में कुछ बदमाशों ने मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। घर लौटने के बाद कुछ दिनों तक पीड़िता डर के वजह से चुप रही। फिर उसने रविवार को सारी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्तों के खिलाफ गाजोल थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल गाजोल थाने की पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। তো আমরা জানি না যে এরকম হয়েছে, বিয়ে বাড়িতে এরকম হয়েছে, আসার সময় রেপ করেছে, তিনজন বলছে, মানে তিনজন, ওটা বলছে না যে আমাকে রেপ করছে নাকি, ওটা বলছে না। কজন মিলে করেছে বলছে? তিনজন মিলে। তারপরে কোথায় নিয়ে গেলেন? হাতিমারি ডাক্তার বলছে রেপ করেছে। এখন এখানে এখন ইয়েতে আছে, মালদাতে। অবস্থা কেমন? এখন অত ভালো নয়, এখন দুর্বলে আছে। এখন থানা জানাবেন তো? पूर्व मिदनापुर में एक तेल के कारखाने में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि कारखाने में लगी ये आग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और दमकल का एक इंजन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। इस घटना में कारखाने का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि कहीं पेट्रोल रखा हुआ था और उसका सिगरेट के संपर्क में आने के कारण ये घटना घटी। पूर्व मिदनापुर जिले के सूताहाटा थाना अंतर्गत चैतन्यपुर बाजार स्थित सरसों तेल मिल में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार सरसों तेल मिल के सामने एक ग्राहक सिगरेट चला रहा था, जहां पेट्रोल रखा हुआ था, जिस वजह से आग के लपटे चारों तरफ फैल गई। जहां सरसों तेल मिल का कुछ हिस्सा व रास्ते पर खड़े 2 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए। इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग का एक इंजन मौके पर पहुंचा व आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मुर्शिदाबाद में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी सोमवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर जमकर हमला बोला। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है शुभेंदु अधिकारी ने।
मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में सोमवार को आयोजित एक पंचायत चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीरंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि अधीर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो हर पर पार्टी बदलते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रमजान महीना खत्म होने तक अधीरंजन तृणमूल पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। এই জেলায় লোক কংগ্রেস করত সিপিএম এর বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের বহু লোক খুন হয়েছেন, মারা গেছেন, প্রণববাবু তালিকা বের করেছিলেন ছাপিয়ে 2004 সালে, আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছে। তা সেই সিপিএম এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন 16 সালে, এখন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আর শুধু উন্নয়নের কথা না, বড় বড় কথাবার্তা বলেন, স্বাভাবিকভাবে আজকে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম দফায় নমিনেশনে ওরা প্রার্থী জোগাড় করতে পারেনি, দ্বিতীয় দফায় যারা প্রার্থী হয়েছিল তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে, তৃতীয় দফায় যে বাজারি গল্পটা আপনারা বিরোধীদের মুখ থেকে শুনছেন, কেউ কেউ ছাড়ছেন যে তৃণমূল ভোটকে ভয় পায়। ভোটটা এখানে হবে, 22টা জেলা পরিষদে হবে, 10টা 15টা ব্লকে হবে, পাটলি ফুললি মিলে সেখানেও আমরা জিতব। গত 1.5 বছর আগে এর আগে জিপি মানে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে মাত্র একটা আসন পেয়েছিল, কিন্তু 1.5 বছরের মধ্যে এতটা পরিবর্তন হলো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, ব্যাপক উন্নয়ন। আর আপনাকে বললাম তো, কংগ্রেসের লোকরা 16 সাল ছিল লাস্ট, অধীরবাবু কংগ্রেসীদের ডেকে হাত পা ধরে বলেছিল যে দেখ সিপিএম এর সঙ্গে জোট করবো, সিপিএম কে ব্যবহার করবো, আমি বাংলা আগামী দিনে অধীশ্বর হব। কিছু কংগ্রেসী আমাদের সঙ্গে চলে এসেছিলেন, কিছু রয়ে গেছিলেন, তারা দেখেছেন যে উনার যে প্রতিশ্রুতি এবং স্বপ্ন মিথ্যা, সেই কারণে আজকে এসেছে। আর এই জেলা অত্যন্ত একটা ইতিহাসের স্থান নেওয়া জেলা, ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, এই জেলাতে উন্নয়ন না করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তৃতা তর্জা করে অনেকগুলো ভোট ওরা করে নিয়েছেন, আর পারবেন না। আর মমতাদি যেভাবে এই জেলা থেকে অধিকাংশ সিট না পাওয়া সত্ত্বেও তার রাজধর্ম পালন করে মেডিকেল কলেজ, সম্প্রতি উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা, যেভাবে আলিগড় ইউনিভার্সিটির জন্য 298 একর জায়গা দেওয়া, কান্দি মাস্টার প্ল্যানের জন্য ইরিগেশন দপ্তর 50% রাজ্য সরকার টাকা দিয়ে যেভাবে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে, মানুষ সেটা দেখেছেন। सिद्धार्थनगर में एक बाइक की टक्कर ठेले से हो गई। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल अवस्था में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिद्धार्थनगर के गुलहौरा थाना के तिवारीपुर भट्टे के समीप एक ठेले और मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मोटरसाइकिल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मोटरसाइकिल चालक गुलहौरा थाना क्षेत्र के मझवन कला गांव का रहने वाला है, जिसका नाम हरीश बताया जा रहा है। घायल हरीश का बांसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। उत्तर दिनाजपुर में 2 बाइकों की हुई सीधी भिड़ंत में बाइक के पर खच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, इस घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के सुदर्शनपुर इलाके में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस घटना में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान प्रदीप चक्रवर्ती के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल पर सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप चक्रवर्ती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। आइए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ अन्य बड़ी खबरें। हुगली जिले में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार श्रीरामपुर अंतर्गत मानिकतला जीटी रोड पर एक मोटरसाइकिल व एक लॉरी की सीधी टक्कर हो गई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार मूल रूप चंद महेश नामक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसके बाद चिकित्सा के लिए रूपचंद को अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रूपचंद नशे में धुत होकर बाइक चला रहा था, जिस वजह से यह दुर्घटना घटी। मुर्शिदाबाद थाने की पुलिस ने घातक लॉरी को जब्त कर लिया है, वहीं घटना की पड़ताल करने में जुट गई है। हुगली जिले के शिवराफुली के जीटी रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत निर्वाचन नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद भी आए दिन भाजपा समर्थकों पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला बोला जा रहा है।
अपहरण करने के साथ साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा नेता सुब्रत राय ने कहा कि प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। আমাদের বাংলা জুড়ে যে তৃণমূলী সন্ত্রাস চলছে, যে সন্ত্রাসের বলি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা শুধু নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও হচ্ছেন, এবং যেভাবে আজকে দালাল পুলিশ এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে লুট করা হচ্ছে, যেভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে লুট করা হচ্ছে, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে একটা প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা চলছে, আমরা তার বিরুদ্ধে আজকের এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রীরামপুর থানা প্রশাসন এবং শাহরাটপুলি টিওপির আধিকারিক এবং পুলিশ কর্মীরা যেভাবে আমাদের ওপর বল প্রয়োগ করে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে আমাদের এই কান্তিক অবস্থান বিক্ষোভে আজকে প্রত্যাহার করতে তারা সক্রিয় হলেন। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।